नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है काउंटर। काउंटर को हम सीक्वेंशियल सर्किट भी बोलते हैं, क्योंकि काउंटर से हम जो है सीक्वेंशियली जो है काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं, जैसे कि 0 से लेके 100 तक, या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंट करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे 100 से लेके 0 तक, या तो फिर इवन नंबर काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ऑनवर्ड्स। जैसे कि जो है हम ऑड नंबर जो है वो काउंट कर सकते हैं, 0, 3, 5, 7 और तो इस तरीके से हम काउंटर के अंदर फ्लिप फ्लॉप को अरेंज करके हम असेंडिंग, डिसेंडिंग, इवन नंबर, ऑड नंबर को काउंट कर सकते हैं। या तो फिर जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, फिर वापस से काउंट होगा 0, फिर 1, 2, 3, इस तरीके से भी हम जो है काउंट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू 2 raised to the power n। n जो है यहाँ पे n जो है पॉसिबल स्टेट है, नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 2 raised to the power n। n पॉसिबल स्टेट होता है और n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो ये फॉर्मूले के अनुसार कि कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे और उसके कितने पॉसिबल एज होंगे, n इज इक्वल टू 2, ये 2, n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे और इसकी जो पॉसिबल स्टेज है वो 4 रहेंगे। 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे और इसकी पॉसिबल स्टेज 4, जैसे पहली स्टेज 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, तो ये हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, तो ये कुल मिला के इसकी 4 जो है पॉसिबल स्टेज हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हम जैसे 2 raised to the power 3 लेते हैं, तो n इज इक्वल टू 3 raised to the power 3, n इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लगेंगे 3 और उसकी पॉसिबल स्टेज हो जाएंगी 8, तो ऐसी 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे इसमें, 3 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और पॉसिबल स्टेज रहेंगे इसकी 8, जैसे कि 1, 2, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 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
पॉसिबल स्टेट निकालते हैं। अब देखिए मैक्सिमम काउंट, मैक्सिमम काउंट नंबर रहते हैं। मैक्सिमम काउंट नंबर में क्या होता है कि एक्चुअल कितने नंबर को काउंट कर सकते हैं। वैसे यहां देखिए जैसे कि ये पहला जो नंबर है जीरो जीरो का अर्थ होता है ये वन, जीरो जीरो का काउंट करे तो जीरो होता है, जीरो वन का काउंट किए वन होता है, वन जीरो का किए टू होता है और वन वन का किए तो थ्री। अगर काउंट करें हमने थ्री नंबर काउंट होगा, ठीक है। पॉसिबल स्टेट चार रहेंगे लेकिन हमने अगर काउंट करें यहाँ पे जीरो जीरो का अर्थ होता है जीरो, जीरो वन का वन, वन जीरो का टू और वन वन का थ्री, तो यहाँ थ्री। तो यहाँ पे जो है टू फ्लिप फ्लॉप जहाँ लगेंगे काउंटर पे वहां पे मैक्सिमम काउंट जो रहेगा, मैक्सिमम काउंट रहेगा टू फ्लिप फ्लॉप में, मैक्सिमम काउंट जो रहेगा वो रहेगा थ्री, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हमने थ्री फ्लिप फ्लॉप का यूज किया है तो मैक्सिमम काउंट कितना हो जाएगा, जीरो 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 का जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सेवन। तो यहाँ पे मैक्सिमम काउंट नंबर जो हो जाएंगे वो सेवन हो जाएगा, मैक्सिमम काउंट नंबर। अब देखिए काउंटर के जो टाइप्स रहते हैं वो दो प्रकार के टाइप्स रहते हैं, एक जो है एक कॉम्बिनेशनल टाइप है और दूसरा जो है वो है सिक्वेंशियल। कॉम्बिनेशनल टाइप जो है उसमें जो है आउटपुट जो डिपेंड रहता है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड रहता है, और सिक्वेंशियल काउंटर में जो है आउटपुट जो डिपेंड रहता है इसका वो प्रीवियस प्रीवियस इनपुट के ऊपर भी डिपेंड रहता है एंड ऑल्सो और साथ में ही प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये दो प्रकार काउंटर है, पहला है कॉम्बिनेशनल काउंटर जिसका आउटपुट जो है प्रेजेंट, प्रेजेंट बोले तो जो अभी इनपुट दिए है हमने फिलहाल में उसके ऊपर डिपेंड रहता है। सिक्वेंशियल जो काउंटर है उसका आउटपुट जो है जो प्रीवियस, प्रीवियस बोले तो जो पहले हमने इनपुट दिए उस पर भी डिपेंड रहता है, और जो प्रेजेंट, प्रेजेंट बोले तो जो अभी दिए है उस पर डिपेंड रहता है। तो ये हो गए दो प्रकार के। अगर हम जो है क्लॉक पल्स के अनुसार देखें, क्लॉक पल्स के अनुसार देखें तो यहाँ पे भी दो प्रकार के काउंटर है, टू टाइप अकॉर्डिंग टू क्लॉक पल्स दो प्रकार है। पहला जो है वो सिंक्रोनस है, पहला जो है वो सिंक्रोनस है और दूसरा जो है वो है असिंक्रोनस। सिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि जैसे फ्लिप फ्लॉप है, इसमें फ्लिप फ्लॉप लगाते हैं हर काउंटर में जैसे फ्लिप फ्लॉप है, तो जो क्लॉक पल्स देते हैं, जो हम क्लॉक पल्स देते हैं एक ही क्लॉक पल्स से हम जो है सभी के सभी फ्लिप फ्लॉप को जो है ट्रिगर करते हैं। क्लॉक पल्स जो देते हैं एक ही देते हैं सभी को, ये यहाँ से क्लॉक पल्स देते हैं तो ये इसको भी आएगा, इसको भी आएगा, इसमें भी जाएगा, तो एक ही क्लॉक पल्स से सभी फ्लिप फ्लॉप को क्या करते हैं ट्रिगर करते हैं। इसमें क्या होता है असिंक्रोनस में, असिंक्रोनस में क्या होता है कि हम जो है कि पहले फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर किए हैं क्लॉक पल्स से तो इसका आउटपुट जो है पहले फ्लिप फ्लॉप का दूसरे फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेगा, इसका आउटपुट जो है सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का थर्ड फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करेगा। तो क्लॉक पल्स हम सिर्फ जो है क्लॉक पल्स जो है सिर्फ हम पहले फ्लिप फ्लॉप को देते हैं तो इसका आउटपुट पहले का दूसरे को ट्रिगर करेगा और दूसरे का जो है आउटपुट तीसरे को ट्रिगर करेगा। तो इस तरीके से होता है। ये जो रहता है ज्यादातर डी
डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का ज्यादा यूज करते हैं, किसमें? सिंक्रोनियस में, इसमें ज्यादा यूज करते हैं, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप का ज्यादा यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का ज्यादा यूज करते हैं। ये जो है ये फास्ट फ्लिप फ्लॉप रहता है, सिंक्रोनियस फ्लिप फ्लॉप जो है फास्ट रहता है और ये स्लो रहता है। ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, और ये जो है ये इजी रहता है। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हो गया, सिंक्रोनियस का और असिंक्रोनियस का। तो यह हो गया काउंटर का बेसिक। थैंक यू।